पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई है। आइए मिलवाते हैं आपको दिल्ली की आरती वर्मा से। मेरा कोर्स शुरू होने से पहले की इनकी तस्वीर और इनकी आज की तस्वीरें, कोर्स शुरू होने से पहले इनका इंट्रोडक्टरी वीडियो और आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो, फर्क आप खुद महसूस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम आरती है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और शुरू से ही दिल्ली में हूँ। और मैंने ये मैनिफेस्टेशन कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहती हूँ। पिछले 2 सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब से मेडिटेशन वगैरह करके, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादा मैं हील नहीं हुई हूँ, क्योंकि एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपसे इसीलिए मिलवाया है कि आप मुझे गाइड कर सकें, और बस मैं चाहती हूँ कि मैं स्पिरिचुअली हील हो जाऊँ, और उसके बाद तो सारी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं या फिर कोई इच्छाएं हमारी होती हैं वो तो सब ईश्वर जानते ही हैं, और वो वन बाय वन लाइफ में हो ही जाती हैं पूरी। उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं अच्छी तरह से। तो मैं इसीलिए ये कोर्स करना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से हील हो जाऊँ और मैं लोगों की मदद कर सकूँ जितना हो सके। मतलब मैं लोगों से लोगों को हील कर सकूं और जितना हो सके मतलब मदर अर्थ को सर्व कर सकूं हील होके। और बाकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तो नेचुरली अपने आप ही लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। तो बस मेरी ये इच्छा थी कि मैं अच्छे से हील हूँ, और इसीलिए ईश्वर ने आपसे मिलवाया मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसमें ज़रूर कामयाब होंगी। और आपका सपोर्ट और भगवान का आशीर्वाद दोनों से मैं अच्छे से इस कोर्स को करके अपने आप को हील करूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो ऑल, मेरा नाम आरती वर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने गुरु डॉक्टर गुंजन से 2020 में जुड़ी थी उनके वीडियोस के द्वारा, टैरो वीडियोस के द्वारा। शुरू से उनसे कनेक्शन महसूस हुआ था मुझे, और बहुत सी प्रॉब्लम्स का हल मुझे उनकी वीडियो से ही मिल जाता था। जैसे मन में कुछ चल रहा है तो अचानक वीडियो आ गया तो मुझे एकदम हल मिल जाता था अपने प्रॉब्लम का, तो कनेक्शन फील होता था कि हाँ कुछ कनेक्शन तो है, ऐसा ईश्वर ने बना के भेजा है कि भाई जब भी मैं प्रॉब्लम में होती तो मैम मुझे गाइड कर देती हैं इनडायरेक्टली। उसके बाद मैंने अब से 5 महीना पहले मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में एडमिशन लिया था, और उससे पहले लाइफ मेरी ना बहुत ही बेकार थी, फैमिली लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मुझे अपनी लाइफ से उम्मीदें ख़त्म हो गई थी, मुझे लगा कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, अब जैसा है वैसा ही पूरी लाइफ रहेगा, कुछ ठीक नहीं होगा, मतलब इस तरीके से मैंने सोच लिया था। हस्बैंड बीमार हो गए थे, 5 सालों से घर पे थे, फिर पूरा दिन किच 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 चलता ही रहता था हमारे बीच में। उसके बाद टेंशन्स बहुत होती थी, फिर मैं लो कॉन्फिडेंट बहुत हो गई कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अब तो ऐसे ही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ना मतलब बेकार जैसे मैं हो गई थी लाइफ मेरी। जब मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में एडमिशन लिया तो 1 महीने बाद ही, जैसे मैम ने हमें मंत्रास वगैरह दिए उसके 1 महीने बाद ही मैंने देखा जैसे कुछ मिरेकल से होने स्टार्ट हो गए। मेरे हस्बैंड जो 5 साल से जा नहीं रहे थे जॉब पर, वो अचानक ही मुझे बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, और वो स्टार्ट हो गए जाना। और मैं हैरान थी, मैंने कहा अरे ये कैसे हो गया, मैंने कहा ये तो चमत्कार ही हो गया। उसके बाद 4 महीने से वो रेगुलर जा रहे हैं, और उनका कॉन्फिडेंस भी लौट आया। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद मतलब लाइफ जो है वो पहले की तरह वो हो गई है, मतलब वो दोबारा से जैसे पटरी पर आ गई है। उससे पहले जो था मैं इतनी नेगेटिव थिंकिंग, इतना बेकार सोचती थी अपने लिए कि मेरी जो फेस है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, एकदम जैसे पिगमेंटेशन हो गई थी, और जिसे कहते हैं कि
जहाँ भी मैं जाती थी लोग मुझे कहते तुझे क्या हो गया है, तू ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, ये सुन सुन के मेरा कॉन्फिडेंस और भी लो हो रहा था और ज़्यादा। मैंने और भी अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। तो उसके बाद जब मैम ने बोला कि वीडियो बना के भेजो, मैंने मैम को भेजा, तो मैम ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा। मैम ने मुझे गाइड किया कि चाहे स्किन कैसी भी हो रही है फिर भी मेकअप करो, अच्छे बन के रहो। इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे मैम ने जो मुझे एफर्मेशन वगैरह दी। उसके बाद से मेरे फेस ठीक होने लग गया, मैं पॉजिटिव सोचने लगी अपने बारे में और मेरा फेस ठीक हो गया और मैं इतनी खुश हुई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, मतलब वो छोटी मोटी जो मेरी इच्छाएं हैं ना मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती हैं, वो तो उनकी तो गिनती ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। जैसे मैं सोचती हूँ कि मोबाइल उठा के मैं सोचती हूँ मैं फलाना वीडियो देखूँगी, वही वीडियो पॉपअप हो जाता, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ईजी गोइंग हो गई है लाइफ। किसी भी काम के लिए ज़रा मेरे माइंड में ये आता कि अरे मैं कैसे करूँ, तुरंत वो काम हो जाता। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ अरे ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे साथ डेली हो रही हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें ये हो गई हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब ख़त्म हो गई है, और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लौट आया क्योंकि मेरा फेस पहले से बेटर हो गया और आगे भी होगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आगे भी सब सही होगा, इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो गई हूँ मैं। और बहुत सी ऐसी विशेज़ हैं जो पूरी हुई हैं, जैसे मैं डॉग्स के लिए काम करती हूँ, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उनके लिए हमें एक डॉक्टर चाहिए था क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत मुश्किल काम है, खासकर जब हम उन्हें जानते नहीं हैं, वो हम पर ट्रस्ट नहीं करते, ऐसे में वो हमें काट भी लेते। तो कोई ऐसे डॉक्टर की मैं इच्छा रखती थी कि वो आएँ और ट्रीटमेंट करें और बहुत ही काइंड हार्टेड हो, और वो मिल गए हमें, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने चाहा था। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, वो एक तरीके से चैरिटी वर्क कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए भी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम का कि मैम की मेरी लाइफ में आने से मुझ में इतना मेरी लाइफ जैसे चेंज होती जा रही है, जैसे एक पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई उसी तरीके से। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग भी जुड़ेंगे दिल से, जो काम करेंगे, मैम की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपको फ़र्क ना लगे। आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे, आप हार्टेडली उसको फॉलो कीजिए जो जो मैम गाइडेंस देंगी। और मेरी दिल से इच्छा है कि मैम के साथ और लोग भी जुड़े, जैसे हमारी मेरी लाइफ चेंज हुई है ऐसे और लोगों की भी हो। मेरी पहले 5 महीने पहले की लाइफ और अब की लाइफ में बहुत फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क मुझ में भी, मेरी लाइफ के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात ये कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं लाइफ में, जो लोग मुझे परेशान करते थे, जिनसे मैं, वो लोग अब जाने लग गए हैं, जैसे दूर हो गए हैं, और अच्छे अच्छे लोग लाइफ में आने लग गए हैं। ये भी बहुत अच्छी एक बात हुई है, क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो नेचुरली बात है हम खुश रहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात हुई है मेरे साथ में। उसके बाद नेगेटिव थिंकिंग मैं बहुत करती थी, तो उसकी जगह मैं जब भी नेगेटिव विचार आता है तो मैं उसको स्विच कर देती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग से। एक नेगेटिव विचार आता है, उसके बाद में उसे 3-4 नेगेटिव विचारों और पॉजिटिव विचारों से स्विच कर देती हूँ। ये बड़ा फ़र्क है, अपने आप ही जैसे ये मैम की गाइडेंस आप फॉलो करते जाओगे तो अच्छी अच्छी आदतें आपके अंदर अपने आप ही डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मेरी ये दिली इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैम के साथ जुड़ें, मैम की गाइडेंस का फ़ायदा उठाएं और मैम की गाइडेंस को फॉलो करें अच्छे से, दिल से, तो मतलब 100% आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और सबके लिए मेरी विशेज़ हैं कि सबके साथ अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। अगर आप अपनी ज़िंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा सपना
बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आ